मेरे सामने जवान से वो नए देर आए दुरुस्त आए। पिछले एक साल से हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता इन काले कानूनों का विरोध कर रहा था और देश की राजधानी में इन काले कानूनों को वापस करने की मांग केंद्र की सरकार से कर रहा था। और इस संघर्ष के दौरान लगभग 600 से अधिक किसान साथियों की शहादत हुई, उनका बलिदान हुआ। एक साल के बाद जो है इतना सब कुछ घटित होने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री अचानक देश के सामने टीवी पर आते हैं और इन काले कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं। ये किसानों के हित में लिया हुआ निर्णय नहीं है। ये अभी पिछले दिनों जो देश में उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में जिस प्रकार से लगातार जो देश की जनता, देश की आवाम की आवाज़ को दरकरार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी और जिस प्रकार से देश की जनता ने, देश की आवाम ने अपने मत के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करने का काम किया, उनको आईना दिखाने का काम किया और उसी का परिणाम था कि जो अहंकारी प्रधानमंत्री, जो तानाशाही प्रधानमंत्री ना कभी किसान से चर्चा करने की बात करता था, ना कभी उनसे उनके लिए ना आज तक कभी मन की बात में उनने कोई उल्लेख हमारे किसानों का किया, उन्होंने मजबूर होकर के उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम उनको कम करने पड़े और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए ये काले कानून वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर वाकई देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया के पास बड़प्पन होता और अगर वाकई वो किसान हितेशी होते हैं, किसानों की चिंता करते तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना लंबा संघर्ष हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को करना पड़ता और मैं नहीं समझता हूँ कि 600 से अधिक किसानों को अपने प्राणों के की आहुति देनी पड़ती, अपने प्राण त्यागने पड़ते। तो ये कहीं ना कहीं एक डर, एक भय, एक आने वाले दिनों में अपनी संभावित हार को देखते हुए ये काले कानून वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी, सब समझ रहे थे कि ये जो काले कानून जो चोरी छिपे जब पूरा देश कोरोना की महामारी को झेल रहा था बिना चर्चा के, बिना संवाद के, बिना सार्थक बहस के, ना राज्यसभा में चर्चा हुई, ना लोकसभा में चर्चा होती है, पिछले दरवाजे से इन कानूनों को लागू करने का काम किया, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये केंद्र सरकार की जो मानसिकता है, हमारे देश की मुखिया की जो मानसिकता है, जो अपने चुनिंदा उद्योगपतियों को ही सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए जो जनमत उनको मिला है उसका इस्तेमाल जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। ये 600 से ऊपर किसानों की इस आंदोलन में मौत हुई है, इसमें क्या है? देखिए, निश्चित रूप से उन किसानों को हम नमन करते हैं और उनकी जो शहादत थी, उनका जो त्याग था, उनका जो बलिदान था, उसी का परिणाम रहा है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो है केंद्र सरकार जागी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया जागे और उनको आखिरकार हमारे अन्नदाताओं के सामने झुकना पड़ा और जो उनका एक तानाशाही रवैया था उस तानाशाही रवैये को भी उनको उसको पीछे हटना पड़ा उनसे और ये जीत जो है हमारे किसानों की, अन्नदाताओं की है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 600 से अधिक किसान साथी जो इस पूरे संघर्ष, इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को अगर देश के प्रधानमंत्री सही तरीके से, पूरी ईमानदारी से किसानों के हित की बात करना चाहते हैं तो उन परिवारों को मुआवजा देने का काम करें, उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम भी प्रदेश की, देश की सरकार, देश के मुखिया करें।